बांदा कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मुहर्रम त्योहार के चलते पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों सहित हिंदू मुसलमान समुदाय के सम्मानित लोगों के साथ बैठक कर समस्याओं को सुनते हुए एकता और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। आपको बता दें कि भारत में मुसलमान समुदाय मुहर्रम का त्योहार नए वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम महीने की शुरुआत 17 जुलाई 2024 को होने वाली है। इसके लिए जनपद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने अपने सभी थानों को निर्देश दिया है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने शहर सहित पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई, जल भराव, प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी विभागों के साथ शहर में खुलेआम घूम रहे सुअरों को रोकने के लिए उनके मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने मुहर्रम के दौरान ताजिया इंतजामिया कमेटियों को निर्देशित देते हुए कहा कि ताजियों की ऊंचाई सामान्य रखें, जुलूस के दौरान बड़े व ज्यादा ऊंचाई के डीजे ना बांधें और भाईचारा कायम रखते हुए निर्धारित रूट पर ही ताजिया निकालें और खुलेआम धारदार हथियारों का प्रदर्शन ना करें। समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, कोई मरीज अस्पताल नहीं जा सकता है। हमारी प्रार्थना है सभी लोगों से कि हमारी आत्माएं रो रही हैं, परेशान हैं, वहाँ के लोग परेशान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।